बीटी कपास सभी को जानकारी है, तो बीटी कपास इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? बीटी कॉटन, हाँ सही आपने समझे, बीटी कॉटन नाम है बीटी कपास से। हमारे सेशन में जो भी जुड़े हुए हैं सारे लोग को मैं स्वागत करता हूँ, और आज का इम्पोर्टेंस भाग है आपका हमारे माध्यम से बीटी कॉटन। कैसे लगता होगा ना कि हम लोग कॉटन कपड़ा पहने बहुत अच्छा लगता है, शरीर के लिए भी आरामदेह होता है, ऐसा महसूस होता है ना कि कॉटन सूता से तैयार निर्मित होने वाले वस्त्र का हम लोग सेवन करें। हाँ खर्चीला है, खर्चीला तो होगा क्योंकि उसको तैयार करने में सावधानी बरतना पड़ता है। कैसे ये देखिए, यहाँ जानिएगा तो इसका नाम पूरा कई बार आपको आएगा बीटी कपास के नाम से, ऐसे आएगा बीटी कपास। और रही बात एग्जाम के लिए, कोई ऐसा कंपटीशन से लेकर के ब्रह्मी तक का मैं बात बता रहा हूँ, तो ब्रह्मी का स्टूडेंट हूँ या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो खास करके बायोलॉजी सेक्शन से, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बीटी कपास से प्रश्न ना आए, प्रश्न आते ही रहता है। तो यहाँ प्रश्न है कि बीटी कपास क्या है, बीटी कपास को आप जानना चाहेंगे ना, तो बीटी कपास को आप जब जानना चाहेंगे तो यहाँ पर है बीटी कपास, और बीटी कपास में क्या क्या पढ़ेंगे क्या क्या जानेंगे इसी पर हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो बीटी है पहले तो ये जान करके लग रहा होगा ना कि सर इसमें बीटी जो आपने लिख दिए वो बीटी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि बीटी वो क्या है, यानी बी से है बैसिलस, आप अच्छे से जानिएगा, बैक्टीरिया ग्रुप में है बैसिलस। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि इसका नाम हो गया बैसिलस, और टी से नाम हो गया थ्यूरिनजियन्सिस। तो थ्यूरिनजियन्सिस ये याद रखिएगा, तो बैक्टीरिया थ्यूरिनजियन्सिस क्या है भाई, तो बैक्टीरिया थ्यूरिनजियन्सिस जानते हैं क्या है, बैक्टीरिया है, बहुत मदद करता है जीवन में, बहुत समझे, बहुत मदद करेगा, ये समझ जाइए इस बात को, काफी मदद करेगा। और इसमें ये जानना है कि आखिर बीटी कपास बैसिलस थ्यूरिनजियन्सिस और ये बैक्टीरिया है करता क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो बैक्टीरिया है ये जानते हैं क्या तैयार करता है, टॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब जहर, और वो जहर जो है ना वो बीटी नाम से ज्ञात है, तो नाम हो गया बीटी टॉक्सिन। तो बीटी टॉक्सिन तैयार कौन कर रहा है, हम आप बैक्टीरिया ना, तो कैसे न लाभदायक होगा, बिल्कुल लाभदायक होगा। कैसे, ये जो टॉक्सिन होता है ना, अब ये पूछ देगा कि टॉक्सिन जो होता है वो जहर कैसे, कुछ ही देर में बता रहा हूँ, लग रहा कि फिगर है सर फिगर वा थोड़ा बताए, बता रहा हूँ क्यों नहीं बताएंगे, सब बताने के लिए तो हैं, बता रहे हैं। तो आखिर ये देखना है कि ऐसे में ये जो टॉक्सिन है वो टॉक्सिन आखिर तैयार कैसे होता है, तो यह टॉक्सिन तैयार होता है पता होना चाहिए क्रिस्टल के रूप में, यस, और क्रिस्टल के रूप में होता है, और इस क्रिस्टल को जानते हैं क्या करिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, इस क्रिस्टल को पानी में घोल लीजिए, हाँ पानी में घोल कर, वाह वाह बहुत सुंदर, बहुत अच्छा नॉलेज, पानी में घोल लेना है इस क्रिस्टल को। ये टॉक्सिन कौन बनाया, टॉक्सिन बनाया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का पूरा जानिए कहता है बैसिलस थ्यूरिनजियन्सिस, और ये टॉक्सिन यानी जहर बनाता है, और ये जहर यानी क्षारीय होता है, जैसे कहने का मतलब कि रब्बा धूल के रूप में होती है, और इसको क्या करिए पानी में घोल लीजिए। अब यहाँ घोल करके पहले आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, ठीक ना, अब क्या है वो सुनिए, आइए इधर, आप कपास का पौधा, जैसे रुई का फसल उपजाया जाता है ना, रुई का फसल,
तरुई का जब फसल जब आप तैयार करिएगा तो उसी पर मैं ये टिप्पणी दे रहा हूँ, क्या होगा से सुनिए। तो जब आप रुई का फसल को जब तैयार करिएगा, जैसे आप घर में रहते हैं तो मक्खी मच्छर आपको कितना परेशान करता है, आप ही लोगों को पता होगा, बहुत परेशान करता है मक्खी मच्छर आपको ना। हाँ, तो मक्खी मच्छर जानते हैं परेशान करता है, तो उसका जो वर्ग है ना, उस वर्ग का नाम आपको मैं बता दे रहा हूँ कि उस वर्ग का क्या नाम है। तो मक्खी और मच्छर का जो वर्ग है उसको नाम है डायऑप्टेरॉन, डायऑप्टेरॉन। तो डायऑप्टेरॉन वर्ग में कौन आता है, याद रखिएगा, मक्खी और मच्छर, याद रखिएगा। तो मक्खी और मच्छर डायऑप्टेरॉन में आता है, और वही मक्खी मच्छर जो छोटा सा कीट है, और यही कीट जानते हैं क्या करता है, और कुछ और भी कीड़े मकोड़े जानते हैं क्या करता है, ये फसल जो होता है ना कपास वाला, उस कपास के फसल पर कीट आ जाता है, और कीट आ जाता है तो इस कपास को तो विकसित होने नहीं देगा, और जब विकसित ना होने देगा तो क्या आप उसको बचाव करेंगे तभी ना। अब बताइए, जब आप कोई फसल उगाते हैं चन्ना का या और भी फलदार वृक्ष जब आप जब लगाते हैं तैयार करते हैं, तो फलदार वृक्ष हो या और भी फूल देने वाला वृक्ष हो, तो आप उसको बचाते हैं तभी ना प्राप्त होता है उसे फूल और फल, समझ गए ना। तो उसी तरह से आपको बचाना होगा, क्योंकि ये जो आपको ये जो कीट महाराज दिख रहे हैं कीट, वो क्या कर रहे हैं आप ही बताइए, आपको ये देखना होगा आखिर, बताइए। तो आखिर इस तरह से आपको समझना होगा कि एक कीट को यानी कैसे दिया जाता है, सुनिए, ये जो है ना क्रिस्टल पानी में घोल करके और इस पर छिड़क दीजिए, समझिएगा ये बात को, और जैसे ही छिड़क दीजिएगा तो जब छिड़क दीजिएगा तब पत्ता पर आ गया, और पत्ता को चूंकि बताइए कीट चाटने जाएगा, हाँ बहुत सारे छोटे छोटे कीट हैं जो कपास के फसल पर जाकर उसके पत्तियों को चाटते हैं, और पत्तियों के जब चाटेगा, जब पान के पत्ता चिबाइएगा तो मसाला भी तो खाइएगा, तो उसी तरह से पत्तियों को जब चाटता है ना, तो कुछ क्रिस्टल उसके लार के साथ उसके आंत में चला जाता है, कीट के आंत में, ना समझिएगा तो कमेंट करके बोलिएगा। तो कीट के आंत में जा करके, और चूंकि क्षारीय होता है और यहाँ जा करके घुल जाता है, क्षारीय होने के कारण है नहीं, घुल जाता है, और घुल गया तो घुलता है, जैसे ही उस कीट की जो डायऑप्टेरॉन में आता है मक्खी मच्छर ऐसे छोटे छोटे और जीव जो कपास के फसल को बर्बाद करता है उसके अंदर जा करके आंत में घुल जाता है और आंत को फाड़ देता है, और आंत को फटते ही उस कीट की मौत हो जाती है, और यह कपास का फसल अब वैसे कीट से सुरक्षित हो जाता है। अच्छा सा आया होगा समझ में, क्या हमने बोला कि जब एक क्रिस्टल को पानी में घोलकर जब छिड़क दीजिएगा तो पत्ते पर चला जाएगा, और पत्ते पर जाने के बाद क्या होगा से पता है, पत्ता पर जाने के बाद जब कीट होगा तो पत्ता को चूंकि चाट करके नष्ट करेगा, तो पत्ता के साथ साथ इस क्रिस्टल को भी चाटेगा, और जैसे ही इस क्रिस्टल को चाटेगा ना, तो क्रिस्टल को जैसे ही चाटेगा कि क्रिस्टल को चाटते ही वह आंत में लेकर चला जाएगा, और आंत में जैसे ही जाएगा तो घुल जाएगा, और घुल जाने के कारण उस कीट की आंत फट जाएंगे और कीट की मौत हो जाएगी, और इस समय कपास का फसल छोटे छोटे कीटों से सुरक्षित हो गया, और जब ये सुरक्षित हो गया तो यहाँ पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि सर तो जो जीवाणु क्रिस्टल बनाता होगा उसके अंदर में रहता तो जीवाणु नहीं मरता है, यह बात याद रखिएगा, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, है नहीं, जो जीवाणु इस टॉक्सिन को बनाता है तो जीवाणु में होता है इनएक्टिव, याद रखिएगा, यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव काम आएगा, इनएक्टिव रहता है जो बैक्टीरिया इसको बनाता है उसमें इनएक्टिव रहता है, और जब इसके शरीर से बाहर निकलता है और कीट समुदाय में जाता है तो ही इनएक्टिव अब हो जाता है एक्टिव, और एक्टिव मतलब हो जाना सक्रिय, और सक्रिय होकर प्रभाव डालता है कि उस कीट की मौत हो जाती है। समझ में आया होगा अच्छे ढंग से समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, फिर से एक बार रिवर्स ले रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, है ना, बीटी कपास बैक्टीरिया बैसिलस
थ्यूरिंजियंसिस, जो एक टॉक्सिन बनाता है, चूंकि टॉक्सिन जहर के रूप में होता है और वह चूंकि रब्बा के रूप में होता है, उसने पानी में घोल करके और उसको यानी कपास के फसलों पर जब डालते हैं, तो कपास के फसल पर डालते हैं जहां से रुई की प्राप्ति होती है, तो उस पर जो कीट होते हैं वो कीट पत्तियों के साथ उस क्रिस्टल को भी चाट जाता है, चूंकि चाटने के बाद उसके आंत में जाकर क्षारीय होने के कारण घुल जाता है और आंत को फाड़ देता है कि उस कीट की मौत होती है, कपास फसल सुरक्षित रह जाता है। बैक्टीरिया में जब तक रहता है यह रब्बा क्रिस्टल, तब तक रहता है इनएक्टिव, और जैसे ही कीट पर जाता है तो कीट पर जाकर हो जाता है एक्टिव, और जैसे ही हो जाता है एक्टिव तो एक्टिव हो करके और क्या करता है, एक्टिव हो करके और उस कीट को मार देता है। अभी आप याद रखिए, जब आप खेतों में फसल लगाते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई पत्तियों को नष्ट करने वाला कोई उसमें आ जाए, यानी हानिकारक प्रभाव देने वाला कीट पतंग, तो उसको आप दवा डालकर मारते हैं कि नहीं मारते हैं, उसी तरह से इसका भी व्यवहार किया गया है। और वैज्ञानिकों ने इसके लिए जो तैयार किया, जो जीन, ऐसा बताइए, जो जीन, जो क्रिस्टल तैयार करने वाला, उस बैक्टीरिया में जो जीन मिला, उस जीन को जब आप बात करिएगा तो उस जीन का नाम आया है क्राइजीन। याद रखिएगा, कई बार आपको क्राइजीन पूछता है, और ये क्राइजीन जानते हैं क्या करता है? कई बार तो हमारे लोगों ने जानते हैं, मुकुल फसल हाँ से बचाव भी होती, मुकुल फसल जो हमारे लिए लाभदायक जो फसल है, हमारे फायदे देने वाले फसल, उसके साथ हानिकारक फसल जो खरपतवार के रूप में आ जाते हैं उसको भी हटाने के लिए क्राइजीन का प्रयोग करते हैं, और क्राइजीन का प्रयोग करते हैं तो वही क्रिस्टल बनता है, और उस क्रिस्टल को बन जाने से, उस क्रिस्टल को बन जाने से जो हानिकारक फसल है ना, वो गल करके उसी जगह नष्ट हो जाते हैं, जिसका कारण होता है कि हम सभी यानी फसलों को बेहतर रूप देते हैं। जैसे सरसों और मकई का भी फसल जब हम लोग विकसित करते हैं तो उस समय क्राइजीन की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए आपको याद रखना होगा कि मुकुल फसल से बचाने के लिए भी हम लोग क्राइजीन जो बनाता है टॉक्सिन, ये चूंकि बैक्टीरिया के अंतर्गत है इसलिए यहां सुरक्षा मिल जाता है। क्लियर हो गई होगी सबको बातें। अब देखिए आपको रुई कैसे प्राप्त हुआ, आप यहां देख सकते हैं, घेरा से पता चल जाएगा कि आप ये देख करके कह सकते हैं कि हाँ ये रुई का है, रुई कैसे उड़ता हुआ नजर आ रहा है। यदि इस रुई के पत्ते को कोई नष्ट कर देता तो क्या इस कोटन की प्राप्ति होती? और कोटन का प्राप्ति ना होगा तो यही कोटन से ना सूता का बिनाई होगी, और जब सूता का बिनाई होगी तो वही सूता से बताइए कपड़े का निर्माण होगा। यही कॉटन है, इसी कॉटन प्लांट को हम बीटी कपास के नाम से जानते हैं, और यही कपास का जो फसल है, यही कपास के फसल से हमें सूती कपड़े का तैयारी हो रहा है। तो आपका क्या राय है आप कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा, और यह कमेंट में आप यदि लिख दीजिएगा तो हमारे लिए बेहतर होगा, और लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा, और लोगों तक बताइए, जरूर मैसेज कर दीजिएगा कि इस तरह का टॉपिक इस चैनल पर चलाई जाती है। ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं आप लोग को, और भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा अन्य वीडियो के लिए, तो आप लोग तक हम नए वीडियो बनाकर भी भेजते रहेंगे। ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं, और आप लोग बेहतर रहेंगे, और बेहतर ढंग से आप अपने करियर को बनाए रखने में अपना दिलचस्पी योगदान देते रहेंगे। शुभकामनाएँ।